हाय, मैं हूँ विनोद यादव। वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे जरूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश रक्षा इंसान बनने की। तो मॉर्निंग के 9:30 हो चुके हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आजकल थोड़ा सा लेट उठ रहा हूँ क्योंकि रात भर थोड़ा सा मूवी देखता रहता हूँ। तो अभी उठा हूँ तो फटाफट से फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, निकल जाते हैं। अगर अभी कुछ 12-1-2 बजे थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं, क्योंकि कुछ ऑडिशन आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बाहर से आके फिर ऑडिशन बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो देखता हूँ 12:30-1 बजे तक वेट करता, अगर कुछ ऑडिशन आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो शायद फिर बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से फिर आना, फिर घर में वहाँ आने से लेट हो जाता है। तो कभी कभी कोई बोलता है कि थोड़ा जल्दी से बना के दो ऑडिशन, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता वहाँ से आना, फिर बना के देना, पूरी तरह थक जाती है बॉडी। तो देखता हूँ अभी कैसा क्या है, तो थोड़ा सा 2-3 घंटा वेट करूँगा, अगर कुछ ऑडिशन नहीं आए तो शायद तक निकल जाऊँगा ऑडिशन देखने के लिए। तो चलते हैं फिर। ऐसे एक तो गंदे गंदे की माँ चूट गया था, ऐसे ही बोल रहा था। पानी के लिए पाइप लगा चुका हूँ तो अभी तक तो पानी आया नहीं है, तो शायद आ जाएगा तो फटाक से भर लेता हूँ, क्योंकि ड्रम ब्रम सब खाली है, थोड़ा सा पानी भर लेता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ। तो एक ऑडिशन आ चुका है, तो एक्चुअली थोड़ा सा मूवी भी देख रहा था और थोड़ा सा लोगों को मेल बिल भेजना, ये सब चलता ही रहता है मेरा, व्हाट्सअप करना ये सब। तो एक ऑडिशन आ चुका है तो अभी उसे बना के देना है, तो फटाफट से तैयारी कर लेता हूँ और ऑडिशन बना के भेज देता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ क्या रिप्लाई आता है। तो कोशिश रहेगी जल्दी से बना के देने की, क्योंकि इसके बाद तो अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो मुझे बाहर जाने को मिलता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ही निकलता हूँ, क्योंकि बीच में ऐसे ऑडिशन आ जाते हैं और फिर बाहर जाके आना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर। तो मैं 1:30-2 बजे तक कोशिश करता हूँ कि घर पर रहता हूँ, सोचता हूँ कि कुछ ऑडिशन है बना के दे दूँ। तो अभी ऑडिशन आ चुका है तो फटक से तैयारी करता हूँ और ऑडिशन बना के भेज देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या रिप्लाई आता है उनका, तो ऑडिशन शूट करता हूँ। जो स्टैंड है वो मेरा दोस्त उसका फ्रेंड लेके चला गया है, तो मुझे पता ही नहीं था उसका फ्रेंड लेके चला गया, तो सब लगा के बना ऑडिशन है, तो सब रेडी है, तो ये सब सेटअप तो कर लिया, पानी का बोतल लगा है, बाल्टी लगा है, अच्छा ऑडिशन। तो ऑडिशन में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो ये सिर्फ चावल का ऑडिशन था, तो सिर्फ वही छोटा सा ऑडिशन बना के देना था, तो वही बना के भेज चुका हूँ। तो भेज चुका हूँ तो देखते हैं अभी उनका रिप्लाई कैसे आता है, अगर रिप्लाई ओके है तो ठीक है, ना शायद फिर से बना के देना पड़ेगा, तो देखते हैं जैसा कैसा होता है। तो ऑडिशन भेज रेडी हो चुका है, भेज भी चुका हूँ, देखते हैं अगर फिर से बनाना हो तो शायद फिर से बना के देना पड़ेगा। एक चाय वाले का था तो ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ चाय देना था, नॉर्मल सा हंस के बस इतना ही कुछ था, तो देखते हैं कैसा होता है, फिर उसके बाद देखते हैं अगर रिप्लाई ओके तो ठीक है, नहीं तो फिर शायद फिर से बना के देना पड़ेगा। ऑडिशन बनाया था उसका कुछ रिप्लाई तो आया नहीं है अभी तक, तो अभी कुछ 3-3:30 के आसपास हो चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो अभी निकल जाते हैं यार, क्योंकि अगर उसका वेट करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो चलते हैं और मिलते हैं फिर लोगों से, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और उसका भी रिप्लाई नहीं आया है, तो देखते हैं और कुछ ऑडिशन मिलता है। तो सिर्फ सुबह से अभी तक सिर्फ एक ही ऑडिशन आया है, वो चाय वाले का, और अभी तक बाकी कुछ ऑडिशन नहीं आया है, तो चलते हैं और फिर मिलते हैं कास्टिंग डायरेक्टर से। ऑडिशन देखने के लिए देखता हूँ कुछ लोगों से मिलता जुलता हूँ, देखता है दिन कैसे जाता है, फिर अभी 2-3 घंटे बचे हुए उसी में घूम लेता हूँ फिर, तो चलते। तो अभी 7:30 बजने के लिए आ चुके हैं, तो ये था आज का वीडियो, तो थोड़ा सा दोस्त का वेट कर रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ रुका हुआ हूँ, तो अभी वो लोग आ जाएंगे, थोड़ा तो उनसे बातचीत कर लूँगा, तो ऐसा ही है लोगों से मिलना जुलना। तो अभी मैं घर पे निकल जाऊंगा, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।